सम्मान में, भरे असम मैदान में, आरक्षण के सम्मान में, भरे असम मैदान में, देश का नेता कैसा हो, उनकी ग्राम बगुनिया में सुरवंशी समाज के बिनोली के दौरान स्वर्ण समाज के द्वारा दलित दूल्हे अधिनियम में प्रकरण दर्ज कराने बाबत बहुत है। उपरोक्त विषय में निवेदन निम्नानुसार है। शंकर लाल पिता शंभुलाल जाति चवार निवासी ग्राम बगुनिया में पुत्र एवं पुत्री की शादी 24 व 25 अप्रैल 2018 को ग्राम में दूल्हे की बिनोली का चल समारोह ग्राम में निकल रहा था, तो स्वर्ण समाज के दबंग लोगों के द्वारा चल समारोह में पत्थर फेंकने व बिजली के तारों पर तार फेंककर 6-7 गांवों की बिजली बंद कर दी। ग्राम शाला खेड़ी में दलित समाज को सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं भरने दिया जा रहा है, साथ ही स्वर्ण समाज के द्वारा धमकी दी जा रही है। इन समाज के कटिंग करने, ढोल बजाने आदि पाबंदियां लगाई जा रही है, जाँच की जाए यह मांग बहुजन संघर्ष दल करता है। ग्राम चापला खेड़ी में दलित समाज की बिनोली पुलिस की अभिरक्षा में निकली, भविष्य में ऐसा हालात न बने ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन अजेजा अधिनियम में प्रकरण दर्ज करने की मांग बहुजन संघर्ष दल करता है। अतः भविष्य में उपरोक्त दलित समाज के साथ अन्य अत्याचार नहीं हो तो भविष्य में दलित समाज की घोड़ी रोकने वाले स्वर्ण समाज पर अजेजा में प्रकरण दर्ज करने का प्रयास करें। स्टार्ट सर, बताना चाहेंगे क्या ऐसा मामला जिसकी वजह से आपको वाहन रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय अनुभागीय कार्यालय में आपको आवेदन देना पड़ा? अभी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का विचार इस देश में ठीक रही है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को समाप्त करना चाहती है और इनके तमाम सारे पदाधिकारी, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री बयान देते रहते हैं। जैसे अभी कुछ महीनों पहले अनंत कुमार हेगड़े जी ने बयान दिया था कि हमारी सरकार तो संविधान बदलने के लिए ही आई है, तो मेरा इनसे ये सवाल है कि ऐसा संविधान में क्या है जिससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है, जबकि इस देश का संविधान पूरी दुनिया में 200 देशों के संविधान में सर्वश्रेष्ठ है और सारे देशों ने इस संविधान की तारीफ की है, प्रशंसा की है, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या लग रहा है कि संविधान को बदलने के लिए काम कर रही है? तो हम लोग बहुजन संघर्ष दल के लोग, माननीय फूल सिंह जी बरिया साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
इनके नेतृत्व में पूरे देश में हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं कि संविधान हम बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, एट्रोसिटी एक्ट बचाएंगे, और जो भी अन्याय अत्याचार हमारे समाज के ऊपर, बहुजन समाज जिसमें पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक है, जो 85% इस देश में है, इस समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार है, उस अन्याय अत्याचार को खत्म करने की हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसी कारण से हम लोग जगह जगह पर रैलियां निकाल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, और आने वाले समय में भोपाल में 17 जून के दिन भोपाल में एक विशाल महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के पोते माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी और हमारे जो शरद यादव जी और इन लोगों से भी बात हुई है माननीय भरिया साहब की, तो ये भी उस रैली में आने के लिए तैयार है। सर, अभी आपने बताया कि बहुनिया वाला मामला है कि दलित को दलित की शादी नहीं होने दी, दूल्हे को बनोली नहीं निकलने दी। आपको ज्ञात होना चाहिए सर कि प्रशासन के हमले के द्वारा, शासकीय कर्मचारी के हमले के द्वारा शांतिप्रिय तरीके से वो कार्यक्रम रखा गया, तो आप स्वीकार करते हैं कि शासन के कर्मचारियों के द्वारा शांतिप्रिय तरीके से कार्य किया गया? नहीं, कई जगह पर शासन के द्वारा ये काम कराए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 70 साल की आज़ादी में, जब 70 साल इस देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं, 50 सालों तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, अब भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, तो ऐसा लगता है कि अभी भी इन लोगों ने इस देश में संविधान लागू नहीं कर रखा है। क्योंकि अगर इस देश का संविधान इस देश में लागू हो चुका होता तो आज ये समस्याएं 70 साल की आज़ादी के बाद भी आप लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिलती, और ये बड़े शर्म की बात है। ये मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के शासन में अगर आज भी किसी दलित का घोड़ा रोका जाता है, कुआं से पानी नहीं भरने दिया जाता है, अन्याय अत्याचार बलात्कार होते हैं, तो ये आप लोगों के लिए डूब मरने वाली बात है।